हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। सो आज का जो ये वीडियो है, ये है हौज़रानी मार्केट पे। रिसेंटली मैंने हौज़रानी मार्केट में विज़िट किया था एंड इट वाज लाइक अ वेरी शॉर्ट ट्रिप। 15 मिनट के लिए मैंने विज़िट किया होगा वहाँ पे एंड व्हाट ऑल आई बॉट एंड व्हाट ऑल आई एक्सपीरियंस, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो हौज़रानी मार्केट हार्डली 15-10 मिनट्स की दूरी पे है मालवा नगर मेट्रो स्टेशन से, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। इट इज़ लाइक अ स्ट्रीट मार्केट। वो आपके जैसे ही आप आउट होंगे तो आपके राइट हैंड साइड पे ही 15 मिनट्स की वॉकिंग के बाद वो मार्केट स्टार्ट हो जाता है। एंड काफ़ी बड़ा मार्केट नहीं है, बट काफ़ी सारे शॉप्स हैं एंड काफ़ी सारे शॉप्स में आपको वैरायटी ऑफ चीज़ें मिल जाएंगी। चीज़ें जैसे कि कटलरी से रिलेटेड, डेकोरेशन से रिलेटेड, आपके पॉट्स, मतलब गिफ्ट आइटम, देयर आर ह्यूज वैरायटी ऑफ थिंग्स। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इस मार्केट में काफ़ी तरह तरह के मग्स मिलते हैं, स्पेशली टी कप्स, कॉफ़ी मग्स। अभी आप इसमें देखेंगे काफ़ी धूल मिट्टी जमी हुई है, बट देर आर वैरायटी ऑफ कप्स। कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ना, और इसमें ही और काफ़ी सारे वैरायटीज़ हैं। ये आपका लिक्विड सोप कंटेनर है, सो हैंड वॉश पर्पज़ के लिए। काफ़ी टाइम से मैं इस तरह के जार सर्च कर रही थी मार्केट में, जिसमें कि हम अचार रख सकते हैं बेसिकली। मुझे काफ़ी शौक़ है अचार बनाने का, तो मैं हम ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में बना के रखती हूँ। तो काफ़ी साइज़ में अवेलेबल है, अगर आप जैसे कि आप पिक्चर्स में देखेंगे। अभी आप देखेंगे काफ़ी तरह के बाउल्स, काफ़ी तरह के प्लेट्स, सेरेमिक यूटेंसिल्स, स्पेशली वास्ट रेंज ऑफ वैरायटी। अभी मैं वीडियो में देख रही हूँ तो मुझे दिख रहा है कि काफ़ी वैरायटी है और क्या क्या अवेलेबिलिटी है। जब वहाँ गई थी तो मेरे पास हार्डली 15 मिनट्स थे, तो 15 मिनट में जितना बाय कर सकती थी उतना बाय करके आ गई थी। कितने खूबसूरत है ना। अब समझ आता है मोस्टली रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में व्हाई दे यूज सेरेमिक यूटेंसिल्स, बेसिकली वाइट सेरेमिक यूटेंसिल्स, बिकॉज खाना खाने से पहले आँखों से खाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया था, ये ओपन मार्केट है, तो काफ़ी बर्तनों में आपको थोड़ी सी धूल मिट्टी तो दिख जाएगी, बट बहुत ज़्यादा वास्ट वैरायटी है यहाँ पे। दीज आर टी पेपर होल्डर, ये आपका धूपबत्ती अगरबत्ती होल्डर, दीज आर फ्लावर पॉट्स, मीन्स आप देख सकते हैं कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जितना आप बाय कर सकते हैं, जितना आप देख रहे हैं। और इतने कलरफुल, इतने अट्रैक्टिव, मन तो करता है कि सभी कुछ बाय कर लो, बट ऑब्वियसली वी हैव सम लिमिट्स, हम लोग सब कुछ नहीं बाय कर सकते। और अगर गलती से सब कुछ बाय कर लिया तो घर आकर पड़ेगी डांट।
ऑनेस्टली उस टाइम पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा रश में थी, और अब मैं देख रही हूँ तो मुझे इतना वैरायटी नज़र आ रहा है, इट्स लाइक कि मैंने ये क्यों नहीं बाय किया। तो ये तो एक शॉप का वीडियो है, अगर आगे आप बढ़ेंगे तो देर आर मल्टीपल शॉप्स जहाँ पे वैरायटी ऑफ डेकोर सामान मिलता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, और मस्ट गोइंग प्लेस है, ज़रूर जाना चाहिए। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने मार्केट से क्या क्या बाय किया था। ये टी मग्स हैं, ये हार्डली 35 रुपीज़ ईच था, एंड अगर आप बार्गेनिंग करोगे तो उससे भी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। सो मैं तो इसमें शायद प्लांट्स लगाने का सोच रही हूँ। एंड ये अगेन एज इन टी कप और कॉफ़ी कप सेम प्राइस, एंड आई थिंक नॉट अ बैड डील। ये अगेन कॉफ़ी मग, टी और कॉफ़ी कुछ भी आप पी सकते हैं, एंड ये एक पीस 50 रुपीज़ का है। ये आपकी वाइट सिरेमिक प्लेट कितनी सुंदर लग रही है ना, मुझे बहुत पसंद आया था। ये 70 रुपीज़ ईच। अगेन सर्विंग प्लेट, मुझे इनका डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया था, इसको तो हम एज एन वॉल आर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये साइज़ आपका आई बिलीव 130 या 150 था, एंड इससे बड़ा साइज़ 170-175 का था। सो हमारा लास्ट पीस जो कि है जार, जैसे कि मैं काफ़ी टाइम से मैंने बताया मैं ढूंढ रही थी। सो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग, एंड इन टोटल मेरा शायद 700 इन बिटवीन 750-800 खर्च हुआ था। ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैं ज़्यादा आगे विजिट नहीं कर पाई, मार्केट थोड़ी और भी आगे थी, एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज एंड गिव बिग थम्स अप इफ यू लाइक द वीडियो। बाय बाय।